ये हमारे ग्वाल वाला मतलब छोटे बलराम जी है। गेटअप मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। अगला सीन ही आपके भाई कंस का है, तो दरबार लगने वाला है, बहुत बढ़िया सीन जाने वाला है। तो स्किप मत करना, अब तक जितना देखा है सारा कंटिन्यू देखते रहो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ 2 दिन की हमारी लीला होने रही है, बहुत बढ़िया सीन जा रहे हैं। सारी वीडियोज़ को आप बहुत प्यार दे रहे हो, इसको भी इसी तरह प्यार देते रहो, ठीक है। बाकी जय काल भैरव भाई। ये हमारे ग्वाल वाला मतलब छोटे बलराम जी है, ग्वाल वाले होते हैं, उसमें छोटे बलराम का रूप कर रहा है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया था। अभी आपने देखा होगा इनका माखन चोरी का और धैन का सुन का वध जो इनका हुआ था, बहुत बढ़िया सीन जा रहा है। इसी तरह देखते रहो सब बच्चों का, बच्चे सारे इतने बढ़िया है कि भाई बड़ों को कई बार होता है कि बड़ों ने डायलॉग याद नहीं करते, बट बच्चे जितने भी हमारी सेना में हमारी कमेटी में सब ने डायलॉग याद कर सब ने। अभी इससे मिलवाया, अभी आपसे कृष्ण के भी दर्शन करवाएंगे। अभी बस एक बार हमारा सीन खत्म हो जाए, मेरा एक ही सीन है, ये खत्म होने के बाद फिर आपको सबसे मिलवाऊंगा। और सबसे मुख्य सीन हमारे जो आज बड़े कृष्णा जी हैं, उनकी आज इंटरव्यू होने वाली है, तो उनका भी आपको इंटरव्यू दिलवाएंगे, उनसे भी आपसे मिलवाएंगे, सही है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली काल को मारा है और मैंने उसे भी बंदी बना डाला है। बड़े दिन काटते हैं कुबेर मेरे ही सहारे पर, अश्विनी बलते हैं दोनों मेरे ही गुजारे पर। हाथ जोड़े खड़ा रहता है विष्णु मेरे ही द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल मेरे ही इशारे पर। यदि क्रोध क्षण भर में आंखों में छा जाए, दिले पर वो
जो योद्धा हमारे यहाँ से गोकुल में उस बालक को मार दिया जाता है, उसका मृत शरीर ही वापस आता है। गोकुल के तमाम छोकरों ने अपना एक दल संगठित कर रखा है और उस दल का वह जनकर्तन देता है। अगर वह दल इसी तरह प्रतिदिन बढ़ता रहा तो गोकुल एक पृथक राज्य बन जाएगा और उस राज्य का राजा वह जनकर्तन कहलाएगा। तो तुम ग्वालों की टोली में भूख क्यों नहीं पैदा करते? वही तो कर रहे हैं महाराज। किस तरह? महाराज, उस ग्वाल टोली को अपने घोषणा करके राजद्रोही ठहराया है। इससे क्या होगा? अगर छल से, कपट से, चाल से उन छोकरों को हमारी तरफ किया होता तो कुछ रास्ता भी निकल सकता था। राजद्रोह की घोषणा से वह तो बहुत चिढ़ जाएंगे, वापिस आ जा भाई, उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे जो अब तक उनकी टोली में शामिल नहीं हुए। वह भी कर रहे हैं महाराज, यह भी हो रहा है महाराज। दो छोकरों को लेकर उस दिन आ रहा है, मालूम होता है उसने उन दोनों को भी उस मंडली से तोड़ लिया है और अपनी ओर मिला लिया है। कैसे लड्डू पे बाद तूने तो कहा था कि न्योता है। अच्छा, आप समझ में आया? हमें यह इस चाल से इस नरादन के सामने ले आया। क्यों बे चकोर चौके, तुझे पहले पत्थर का नाम सुनाना चाहिए तो मेरा नाम भी मन चुका नहीं। चलो सिनेमा, चलो मन चुका। ठहरो बालको, ठहरो, यहाँ तुम्हारे लिए लड्डू पेड़े भी है, दान दक्षिणा भी है और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। वे बड़ी बड़ी चीजें क्या? भैंसे, भैंसे, भैंसे तो यमराज का वाहन समझी जाती है। हम तो ग्वाले हैं, गौ चराते हैं, गाय चराते हैं और गौ माता का दूध, दही और माखन खाते हैं और इन जैसे नराधनों की खोपड़ी पर तबला बजाते हैं। क्यों दिखाऊं वालों का खेल? नागर दिखता नागर मेल, नागर दिखता नागर मेल। कंस, ओ बड़े उत्पाती हो। अरे नहीं, हम बड़े उपाती तो 25 वर्ष की उम्र में होंगे, अभी तो हम छोटे उपाती हैं। अच्छा, यह हंसी दिल लगी, जाने दो और जो मैं कहता हूँ वह सुनो। कहिए। अगर तो वो कुशल कन्हैया था
साथ छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें नए नए पदक नई नई पदवियां देकर निहाल कर दूंगा। तेरी पदवियां और पदवियां उनको तो अब कोई उपलों के भाव भी नहीं लेगा, तो फिर मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। अरे हम गद्दी पर राज करने वाले को कर्महीन समझते हैं। हमारा राज तो वृंदावन की हरी हरी घासों पर है। अरे बोलियो उसको, सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे, मेंटल हो गया क्या पूरा है? तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? कभी नहीं। उस किसी को नहीं आता, साथ नहीं छोड़ोगे? बड़े मेंटल है यार ये। तू हमें क्या देगा? हमारा कृष्ण कन्हैया, तू हमें रोज ताजा ताजा दूध दही और माखन खिलाता है और हम उसे छोड़ दे असंभव। एक माइक भेजो अंदर। सूर्य चाहे धूप से संबंध अपना तोड़ दे। लेती माइक लेती। भूमि चाहे आप कर दे आपा अपना खोल दे। लेवल माइक भेजना है ना। माल का बच्चा बच्चा कन्हैया लाल अपना छोड़ दे। अच्छा कितने बाकी है? तो सबको समझा रखा है फिर भी मानते नहीं है। के लिए तैयार हो जाओ। आकाश को क्या चाहिए? हंसते क्यों हो? अरे जो खुद मरा हुआ है वह हमें मारने की मांग करता है। तो क्या मैं हुआ हूँ? खिचड़ी और मेरी दुनिया चुपता हो। कितने माइक है वहाँ पे? रखा हुआ पिता के अपना मत बांध रहे हैं। पूछो गोकुल के एक एक बच्चे से। तीन नंबर माइक अभी देखा है। पूछो पंचायत के एक एक समझदार व्यक्ति से। इस पवित्र देश के एक एक पवित्र ब्राह्मण से पूछो, पता चल जाएगा तुम जीवित हो या मर चुके हो। मेरे पास भाई के पास मैं जिंदा हूँ। अरे तो आगे कभी मर जाओगे? और जब तुम मरकर कर पहुंचोगे पड़ा देना तो गोकुल के बाबा को यह संदेश पहुंचा देना कि गोकुल वाले अभी बहुत आनंद तुम मरने वाले हो और मैं मरने वाले की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। एक बात और कह दूं, कह कर लो रानियों से जाकर मथुरा नाथ कौन की होगी सदी तुम्हारे साथ। बालकों के वध करने की भूख आपकी अभी तक नहीं मिटी? आप इन्हें मारकर क्या पाएंगे? अगर इनके शरीर आपकी तलवार की भेंट चढ़ जाएंगे तो यह याद रखिएगा, जितनी बूंदें इनकी खून की यहाँ गिरेंगी उतने ही शत्रु आपके मथुरा में उत्पन्न होंगे। जाओ बच्चों, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ और यहाँ से जाने की अनुमति देता हूँ। पक्षी वाले की चुभे चको चुपके एक और भाप लगाऊं? लगा दे। चलो श्री रामा, पक्षी वाले की जय, 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 पक्षी वाले तुमने जो मेरे ही नाखूनों को ऐसे दूर कर दिया इसका दंड तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ महाराज, दूंगा। जो मैं कहूंगा वही देना पड़ेगा। वही दूंगा महाराज,
आपका रेडी हूँ, जो आप मांगेंगे वही दूंगा। राम अक्रूर, मैं प्रजा का नेता समझकर हमेशा तब जाया करता हूँ। नेता तुम्हें भी वासुदेव की तरह कारागार में डाल दिया होता, सामंत की तरह सदैव के लिए सुलवा दिया होता। उसके कानून जी महाराज, मेरी आज्ञा है ग्वालों के साथ साथ वह बंसी वाला जब गांव में गैया चराने आए, वनों में गैया चराने आए, तो वन के साथ साथ उनके घर बार को भी जला दिया जाए। मुझे लेना सुखा श्री रामा, लो बल्ला भैया, अरे लो विशाल, लो कृष्णा, काना लोगे, अरे ले लो, हाँ हाँ ये लो मैं कृष्णा, छोड़ दो काना, हमारी गेंद छोड़ दो, तुम बार बार गेंद मनसुखा को ही देते हो। रुस ना हो भैया श्री रामा, मनसुखा ने आज महात्मा कंठा लिया है, उसके पाचन के लिए मैं बार बार गेंद इसे ही दे रहा हूँ। अरे बोल उठा के दिया, जल्दी जा भाई, चलना नहीं, यहाँ से कुछ चाहिए, यहाँ से यहाँ काली।
देख लिया बहुत बढ़िया तरीके से, इस भाई ने पूरा शूट करा है। भाई है गौरव जी भी गेमर है। बहुत बढ़िया सीन हो गया। अब अगला दृश्य जो आप देखने वाले हो, कवालिया नाग मृदन। अब हमारे जो कान्हा जी का रोल कर रहे हैं, छोटे कान्हा जी का, बालकृष्ण का, हर्षित, वो काले नाग के ऊपर सरकों पे खड़ा होकर डांस करेगा। उनका सबसे बहुत बढ़िया सीन होने वाला है। बिना स्किप करे देखने, बिना स्किप करे, बहुत बढ़िया सीन होने वाला है। चंदन है ही नहीं, ये रहा चंदन। अरे ये रहा बैठा। हम अपने
नहीं आना चाहिए था, पर क्यों माता? प्रश्न ना पूछो बालक, शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। यदि मेरे स्वामी की विचित्र निंदा खुल गई तो चालू कर दो तुम्हारे इस भाई, भाई। उन दोनों के माइक नहीं चलते भाई।
मैं तो यहाँ केवल अपनी गेंद लेने आया हूँ। क्षेत्र मेरे अंतर्गत है, यहाँ पर जो भी होता है वो मेरा भजन बन जाता है। अब तू मेरा भजन बनेगा। नागराज, यदि तुम्हारे क्षेत्र में कोई आए तो बिना अपराध के ही उसके प्राण ले लेना, यह तो अन्याय है। गुरु, न्याय और अन्याय, का ज्ञान, अज्ञान, वो भी तुम जैसे छोटे से बालक से, वो भी तुम जैसे छोटे से बालक से। ज्ञान आयु देखकर नहीं लिया जाता नागराज। ज्ञान आयु देखकर नहीं लिया जाता, सही दिले अहंकार में यह भूल गए हो। ऑडियंस को देखो, अपनी जीवा को विराम दो बालक, अपनी जीवा को विराम दो बालक। ये मेरे ही समक्ष, ये मेरे ही समक्ष अहंकारी बता रहे हो, मुझे अहंकारी बता रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? हे नाराज, मैं तो स्वयं ही सबकी भयों का नाश करता हूँ, जरा मुझे किसका भय? मैंने केवल सत्य ही कहा है। मैंने तो केवल सत्य ही कहा है। तुम अपने अहंकार में अंधे हो रहे हो। कि तुम अपने अहंकार में अंधे हो गए हो। क्रोध में बालक, बालक, अरे बालक, हम मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हो जा। इसका निर्णय भी अभी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे युद्ध करो, युद्ध करो, लड़ो लड़ो। भगवान नागराज, किंतु परंतु कुछ नहीं, परंतु कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं भगवान। आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे भाई, गाना करेंगे, गाना है। बस अब सनी भाई बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है नागराज, वहाँ बैठ जाओ सनी भाई। यह स्थान छोड़कर जाना होगा। टेबल के आगे, टेबल के आगे बैठाना, टेबल के आगे बैठाना। पीने योग्य नहीं रहा, जिस कारण आपको यह स्थान छोड़कर जाना होगा। प्रभु आपका वाहन गरुड़, प्रभु आपका वाहन गरुड़। मुझे बताओ तो सही, मेरे बाहर निकलते ही समाप्त कर देगा। भाई गाना लगा दो यार, गाना। आपके मस्तक पर जो मेरे पते चिन्ह है उन्हें देखकर गरुड़ आपको खुश नहीं करेगा। बस अब बैठ जाओ सनी भाई, बैठ जाओ, टेबल के आगे बैठ जाओ, टेबल के आगे बैठ जाओ, जैसे बताया था वैसे। अरे टेबल के आगे, टेबल के आगे गाना प्ले कर दे भाई। मैं आपको सागर के बाहर तक छोड़ देता हूँ।
बाहर बैठ जाओ भैया, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ सामने आके बैठ जाओ, चढ़ जाओ, डांस कर, गाना गाना प्ले करो ना भाई, आवाज की गाना। करण जी स्टेप बता दे रहे हो, करण करण है क्या यहाँ पे? सीधा करो, सीधा करो। जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर मंचन, बहुत ही श्री कृष्ण जी का जो इन्होंने सॉन्ग डाउनलोड करके दिया है ना, उसमें आवाज ही इतनी दिया इन्होंने, सॉन्ग में डिफॉल्ट आवाज इतनी ही है, सॉन्ग में आवाज दिया इतनी ही है, ज्यादा आवाज नहीं है, फुल आवाज है। स्माइल रख चेहरे पे, स्माइल 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 स्माइल। ओ चंदन चंदन बोलो, घूम जा, घूमते रहे, चार चंदन चार बार घूमते रहे, धन्यवाद हो गया बंद। कहाँ पर मेरे को कुछ कह रहा है क्या यार? भी नौ नंबर माई फोन करो भाई, नौ नंबर माई फोन करने के लिए कह रहा हूँ भाई, अपनी बात पर स्पष्ट। हंसता रहे हंसता रहे हर्षित, स्माइल स्माइल। तो गाइस इससे मिलो हमारे हर्षित से, जिसने इतना बढ़िया प्यारा रोल करा भाई, समझ आ गया। हर्षित कैसा लग रहा था तुझे रोल करके? मेरे को पहले पहले तो डर लगा। कोई नहीं, हम इसको बता भी रहे थे भाई, पहली बार इतना बड़ा रोल कर रहा है, हर रोल छोटा बड़ा नहीं होता, बट बहुत बढ़िया रोल करा था, बहुत बढ़िया। जो डांस तूने करा, और मैं सही बता रहा हूँ, डांस इसने अपनी तरफ से करा है, कोई उसमें ये नहीं था कि इसने सीखा होगा या कुछ भी करा होगा, पूरा डांस इसने अपनी तरफ से करा है, तो बहुत बढ़िया करा। इसका पूरा गेटअप देख लो, देखो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा हर्षू, बहुत बढ़िया। तो आज खत्म तेरा सीन, अब आज से बड़े भैया बड़े कृष्णा का रोल स्टार्ट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बाकी बहुत बढ़िया गया कृष्ण इसका। देखो ये हमारे बलराम जी, बलराम जी इन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्ट कर रखा था, इनके साथ सही एकदम इनकी जोड़ी बढ़िया बन रही थी। क्या नाम है तेरा? आदित्य। आदित्य, ये देखो दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया बन रही है। गाइस अब मैं आपसे मिलवाता हूँ अपने लीला के आज के दिन के सबसे भयंकर करेक्टर से, जिसका अभी अभी आपने रोल देखा था, कालिया नाग से। ये देखो हमारे खली भाई, भाई साहब इनको जो भी मेकअप कर दो, जो भी किरदार दे दो, अपने आप ही ऑटोमेटिक खिल जाता है। खली भाई कैसे कर लेते हो सन्नी भैया ये सब? सब प्रभु की इच्छा है, वो अपने आप करा देते हैं, मैं तो उसका नाम लेके चढ़ता हूँ ऊपर मंच पे बस। कसम से बहुत बढ़िया सीन गया आपका भी, बहुत प्यारा सीन था। थैंक यू। लास्ट ईयर भी आपने करा था ना? हाँ जी। लास्ट ईयर भी इन्होंने करा था, और इस साल और थोड़ा निखर के आया भाई, कसम से मजा आ गया। इसी तरह हमारे साथ बने रहो, और पूतना का मैं रिकॉर्ड करना रह गया, पूतना का भी इन्होंने ही देखा था, बहुत बढ़िया खेला था पूतना का भी भाई, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हेलो दीदी, दीदी थोड़ा गुस्सा हो रही है मुझसे कि भाई मैं इनको व्लॉग में नहीं ले रहा, बट दीदी आपके सारे व्लॉग शूट हुए हैं, एक एक सीन शूट हुआ है आपका, कोई भी मिस नहीं हुआ? कब का? सारे जितने भी आज हो करे आप, आज कल सारे, कल के भी, कसम से
अब जब ब्लॉग डलेगा ना उसमें आएंगे तब देखना। कब आएगा ब्लॉग? आ जाएगा, दो तीन दिनों में आएगा, टाइम लगेगा। कैसी लग रही हूँ? बहुत बढ़िया। बताना कि मेरा यशोदा का रोल है, मैंने बहुत दिन से किया है और बहुत मेहनत भी करी है इसके लिए, तो ये जरूर बताना कि कैसा। हालांकि रामलीला में ये रोल करती नहीं है, बट कृष्ण लीला में स्पेशली यशोदा के लिए रोल कर रहे हैं भाई सभी। हाँ, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मैनेजमेंट होता है मेरा रामलीला में, कृष्ण लीला में स्पेशली यशोदा का रोल कर रही हूँ। तो प्लीज गाइज रिक्वेस्ट है, ये जरूर बताना सबका रोल, सबके एक्ट कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन मेरा भी बता देना कि कैसा लग रहा है। भाई मैं किसी को पैसे नहीं देता, ये अपने दिल से बोलते हैं, कभी सोच रहे हो कि मैं पैसे दे रहा हूँ? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, इसने कभी नहीं करा, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिंग है ना वो गॉड गिफ्ट है, इसकी वॉइस, इसकी आवाज़ तो गॉड गिफ्ट है, सिखाना पड़ता है लोगों को कि ऐसे निकालो ऐसे निकालो, नेचुरल आते हैं नेचुरल। थैंक यू, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना।